Hey guys, welcome to our channel Foodie Tank. अर्ज किया है, लक्ष्मी जी देंगी धन की पेटी खोल, जब इस दिवाली बनेगा जिमिकन सूरन या ओल। जैसा कि हम सभी को पता है कि दिवाली पे काम बहुत ज़्यादा होता है, और अगर हमें कुछ ऐसा मिल जाए जो झटपट से तैयार हो जाए तो क्या बात है। बिल्कुल सही, और हम आपके लिए एक ऐसी ही रेसिपी लेके आए हैं जिमिकन से बनने वाली, जो मिनटों में तैयार हो जाएगी और आपकी दिवाली की थाली की शोभा भी बढ़ाएगी। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है आधा किलो जिमिकन, जिसे मैंने इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है धुल के साफ करने के बाद। और ध्यान रहे, कच्चे जिमिकन को काटते वक्त हाथ में सरसों का तेल ज़रूर लगा लें, वरना आपके हाथों में चिनचिनी होगी। यहाँ पे मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है, जिसमें मैं ऐड करूँगी हमारा सूरन जो हमने काट के रखा था। इसमें हम ऐड करेंगे अप्रॉक्सीमेटली एक ग्लास भर का पानी, क्योंकि हमें जिमिकन को बॉयल करना है। पानी पर्याप्त मात्रा में डालें ताकि जिमिकन अच्छे से कुक हो सके, क्योंकि हमें इसमें 6 से 7 सीटियाँ लगानी है। तो चलिए अब हम चलते हैं, इसे बॉयल करने के लिए चढ़ा देते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे मैंने 2 टमाटर लिए हैं, 1 लहसुन की आड़ी ली है, 3 हरी मिर्च और 1 मीडियम साइज का प्याज। प्याज को हमने चॉप कर लिया है और बाकी तीनों चीज़ों को हमें रोस्ट करना है। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पे मैंने एक जाली ले ली है, जिस पे हम टमाटर और हरी मिर्च और लहसुन को रोस्ट करेंगे। अगर आपके पास जाली नहीं है तो आप इसे डायरेक्ट गैस पे भी रोस्ट कर सकते हैं। दिवाली का मौका है तो मीठा भी तो बनना चाहिए, तो अगर आपने अभी तक डिसाइड नहीं किया है तो हमारे चैनल पे आपको कलाकंद और रबड़ी की बहुत ही बेहतरीन रेसिपी मिल जाएगी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है। और हाँ, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसी उम्दा रेसिपीज़ आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हमारे टमाटर कितनी अच्छी तरीके से रोस्ट हो चुके हैं, तो अब इन्हें हम गैस से उतार लेंगे। अब हमने सेम जाली ले ली है और इसके ऊपर अब मैं ऐड करूँगी जो हमने हरी मिर्च ली थी वो, और साथ ही में जो लहसुन की आड़ी हमने ली थी, और इनको भी हमें गैस के ऊपर ही भून लेना है। हरी मिर्च तो हमारी फटाफट रोस्ट हो चुकी है, बिना किसी देरी के इसे निकाल लेते हैं और लहसुन को थोड़ा सा और रोस्ट करेंगे। तो लहसुन भी हमारा भुन गया है तो इसको भी हम साइड कर लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, जो जिमिकन हमने बॉयल किया था उसे एक बोल में निकाल लेंगे। और हाँ, एक टिप, जिमिकन को आप छिलके के साथ बॉयल करेंगे तो आपको छिलका उतारने में आसानी भी होगी और वो जो हाथ में खुजली होती है ना, वो भी नहीं होगी। तो चलिए हाथों का इस्तेमाल करते हुए जिमिकन को मैश कर लेते हैं। आप चाहें तो मैशर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए जिमिकन हमारा कितनी अच्छी तरीके से मैश हो गया है, तो चलिए अब हम इसे साइड कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने खल्लर कुटना ले लिया है, जिसे कुछ लोग इमाम दस्ता भी कहते हैं। इसमें हम अपने रोस्ट किए हुए गार्लिक ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे रोस्टेड हरी मिर्च और नमक स्वाद अनुसार। नमक को ऐड करने का रीज़न ये है कि जब हम इसे कूटेंगे तो इसमें घर्षण पैदा होगा और चीज़ें जो उछल के बाहर गिरती हैं वो नहीं होगा। तो चलिए लहसुन और हरी मिर्च की पिटाई उर्फ कुटाई शुरू करते हैं। तो अगर आपने नोटिस किया हो तो जो लहसुन का बल्ब था मैंने पूरा नहीं लिया है, उसमें से मैंने 6 से 7 कलियाँ ली हैं, बाकी बचा हुआ लहसुन को आप स्टोर कर सकते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए। हाँ, जैसे कि चटनी, बैगन का भरता, जिसमें भी आपको स्मोकी फ्लेवर चाहिए हो गार्लिक का, उसमें आप यूज़ कर सकते हो उसे। ये देखिए लहसुन और हरी मिर्च कूट गई है, तो चलिए अब इसे भी साइड कर देते हैं। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे मैंने एक मिक्सिंग बोल लिया है, जिसमें हम ऐड करेंगे रोस्टेड टमाटर जिन्हें हमने छील लिया है। अब जो ये हमारे रोस्टेड टमाटोज हैं ना, उनका हमें कचूमर बनाना है, मतलब कि उन्हें अच्छी तरीके से हाथों से मसल मसल के फोड़ लेना है। और ध्यान रहे कि टमाटर की आई निकालना मत भूलिएगा। और कोशिश कीजिएगा देसी टमाटर का इस्तेमाल कीजिएगा, कितने जूसी लग रहे हैं टमाटर। और अब इसमें हम ऐड करेंगे चॉप प्याज। अब जो अदरक और हरी मिर्च को हमने कूट के रखा था, इसको हम अच्छे से समेट लेते हैं और इसको भी हम टमाटर और प्याज के साथ बोल में ऐड कर देंगे। और साथ ही में ऐड करेंगे मैश किया हुआ ओल। अब बारी आती है इसको थोड़ी सी खटास देने की, तो इसके लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 बड़े नींबू का रस। और अब इसमें ऐड करेंगे बिहार और यूपी के हर भरते में पड़ने वाला कच्चा सरसों का तेल, जो इसमें एक अर्थीनेस, एक रॉनेस ऐड करेगा।
अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि सरसों का तेल जो हमने इसमें ऐड किया था उसने इसे फ्लेवर तो दिया ही है लेकिन एक अलग सी चमक भी दी है। तो ये देखिए जिमीकंद का भरता तैयार है, अब बस हरी धनिया का इंतज़ार है। तो अब इसमें ऐड करेंगे हरी धनिया और उसे भी अच्छी तरीके से भरते में मिक्स कर लेंगे। जिमीकंद उर्फ सूरन उर्फ ओल का भरता तैयार है, तो चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं। यकीन मानिए इस भरते को आप किसी भी चीज़ के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले रेसिपी पे, तब तक के लिए टाटा।